नमस्कार दोस्तों आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर मनी यूट्यूब चैनल पर मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के नंबर वन बैंक एच डी एफ सी बैंक के बारे में दोस्तों इस बैंक के रिलेटेड एक सैड न्यूज सामने आ रहा है दोस्तों तो आइए क्या है वो न्यूज उसको डायरेक्टली देख लेते हैं यहां देखिए दोस्तों रिजर्व बैंक ने एच बैंक पर लगाया दस करोड़ रुपया का जुर्माना जी हाँ दोस्तों यहां पर दस करोड़ रुपया का जुर्माना लगता हुआ एच डी बैंक के ऊपर यहां पर नजर आ रहा है क्या है पूरा मामला डिटेल में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं यहां देखिए रिजर्व बैंक ने अट्ठाइस मई को बताया कि उसने एच बैंक पर दस करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है बैंक पर आरोप है कि इसने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उन्नीस के सेक्शन छह का उल्लंघन किया है दोस्तों बैंक रेगुलेटर आरबीआई ने अपने अधिकारी अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए जो है यहां पर पेनाल्टी लगाई है बैंक और ग्राहकों के बीच हुए लेन देन या समझौते पर इसका असर कुछ नहीं होगा पूरा मामला क्या है उसको अगर देखेंगे यहाँ देखिए बैंक बैंक के ऑटो लोन के पोर्टफोलियो में गड़बड़ी होने का शिकायत दर्ज कराई गई थी जी दोस्तों ये पहले का न्यूज है जिसमें ये जो है ये ऐसा शिकायत यहाँ पर लाया गया था इसके बाद आरबीआई ने बैंक के थर्ड पार्टी नॉन फाइनेंशियल से जुड़े दस्तेबाजों का जांच की जिसमें उसे गड़बड़ी पता चला था और इसके बाद जो है आर ने एच बैंक को शो कच नोटिस भी दिया था दोस्तों और उसको उनसे पूछा था कि उनको क्यों जुर्माना नहीं लगाया जाए और उनसे कोई संतोषजनक जो है आंसर नहीं मिला था कारण बताओ नोटिस पर बैंक से मिले जवाब के बाद सुनवाई और दस्तेवाजों के जांच के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एचडी बैंक बैंक नियमों का उल्लंघन किया है इसके बाद आरबीआई ने 28 मई को इस पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है एक्चुअली रीजन को अगर देखेंगे क्यों ये मामला उठा था दोस्तों ये देखिए एचडीएफसी बैंक का ऑटो लोन पोर्टफोलियो पर आरोप है कि वह ग्राहकों को ऑटो लोन के साथ जीपीएस डिवाइस खरीदने के लिए मजबूर करता था ऑटो लोन लोन जो लेने के लिए आता था दोस्तों इसको कंपलसरी जीपीएस डिवाइस एक थमाता था और ये जो है जी जो लोग मना करते थे उनको जो है ऑटो लोन भी प्रोवाइड नहीं करता था यह आरोप था दोस्तों और यह है और जिस डी डिवाइस वो लोग बेचते थे उसका नाम है अट्ठारह हजार रुपया उसका जो दाम देखेंगे तो अट्ठारह हजार रुपया है दोस्तों और ट्रैक पॉइंट जी नामक कंपनी ने इसको जो है बनाया था कुल मिला के देखेंगे दोस्तों कंपनी के ऊपर तो एक ये बह, बह, बहुत बड़ा इल्जाम है और जिसके तहत इनको दस करोड़ रुपया यहाँ पर जुर्माना देना दोस्तों आने वाले समय में इस खबर के चलते थोड़ा सा अपसाइड थोड़ा सा तो पर दिख सकता है दोस्तों दोस्तो। तो दोस्तो। ऐसा कोई पैनिक होने वाली बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए अगर देखेंगे एच बैंक को सी यहाँ पर थोड़ा सा उसके पैरामीटर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं 42.23% के कासार रेशियो में ऑपरेट करता है दोस्तों एचडीएफसी बैंक आरओई देखिए 16.40% है और आरओसी की बात करेंगे 15.27% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है एचडीएफसी बैंक का अभी पी की बात करें तो 26.62 पी में चल रहा है बैंक नेक्स्ट अगर हम बैंक के कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर को भी चेक करेंगे यहां पर एनुअली फाइनेंशियल पैरामीटर को देखेंगे दोस्तों पहले रेवेन्यू को यहां पर देखते हैं यहां देखिए 2017 का रेवेन्यू तिहत्तर करोड़ का रेवेन्यू जो है यहाँ पर जेनरेट करता हुआ नजर आएगा और ये बढ़ के देखिए दो में 85,287 करोड़ हुआ दोस्तों और ऐसे बढ़ता हुआ देखिए अब जनरेट किया है रेवेन्यू 2021 में एक लाख अट्ठाईस हजार पांच करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है एक कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है वाइज आपको एच बैंक में देखने के लिए मिलेगा नेट प्रॉफिट को अगर हम चेक करेंगे नेट प्रॉफिट को भी देख लेते हैं 2017 में देखिए नेट प्रॉफिट था बैंक का पंद्रह करोड़ अठारह करोड़ ये बढ़ के अब इकतीस करोड़ हो गया दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी एक जबरदस्त ग्रोथ आपको वाइज देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर देखिए बैंक में दूसरा पैरामीटर अगर हम उसकी देखेंगे बैंक के तो बैंक के अगर ईपीएस को भी देखा जाए तो देखिए अभी ईपीएस है दोस्तों फिफ्टी सेवन पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन जीरो का ईपीएस मेंटेन करता है एच डी एफ सी बैंक आर ओ भी देखिए बैंक का पंद्रह दशमलव छह दो आर के साथ कामकाज करता हुआ दोस्तों एच डी एफ सी बैंक कुल मिला के देखेंगे दोस्तों बैंक बेहतरीन है आप इसमें आंख मूंद के दोस्तों होल्ड करके चल सकते हैं अगर डिप्स हुआ और शेयर नीचे गिरा दोस्तों तो इसमें आप बेशक ऐड करते हुए जा सकते हैं दोस्तों बस आजकल इतना था वीडियो को अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों जय हिंद